बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद बिहार की राजनीति में हलचल मच गई है। इसी इस्तीफा के साथ ही उनकी पार्टी जनता दल का राष्ट्रीय जनता दल के साथ का गठबंधन खत्म हो गया है। इस्तीफा देने के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि बीते कुछ समय से गठबंधन में काफी कुछ चल रहा था, इसीलिए ये फैसला लेना जरूरी था। इसके बाद कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी कहा कि उन्हें पहले ही पता था कि जोड़ी टूटेगी और उन्होंने जोड़ी टूटने वाले लोगों को आया राम गया राम कहकर बताया। चलिए सुनते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा। इसीलिए हमने पहले ही हमको ये सलाह मिली थी कि लालू जी से जब बात किया, तेजस्वी से जब बात किया था, उन्होंने बोल रहे थे कि हमको भी ऐसा संशय आ रहा है कि ये हमारे हाथ से चले जाएगा, तो इसीलिए हम और आप मिलकर लड़ना है, लड़ेंगे। मैं फिर भी कोशिश करता हूँ उनको अपने साथ रखने का। अगर वो रहना चाहते हैं तो ठीक है, अगर हम कितना कहे तो भी अगर वो जाना चाहते हैं तो वो जाएगा ही। इसीलिए ये पहले से मालूम था, लेकिन हमने ये इंडिया अलायंस को इंटैक्ट रखने के लिए हम होके कोई बात अगर गलत करेंगे तो वो रॉन्ग मैसेज आएगा। इसीलिए हमने कल लोग पूछे मुझे, परसों पूछे, तो मैं यही कहा कि देखेंगे, अभी हम तो उसका डेवलपमेंट हमको मालूम नहीं, उसके बाद हम देखेंगे। हमने ये कहा था, लेकिन ये सूचना तो हमको बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और लल्लू प्रसाद दोनों ने दिए थे और आज वो सच हुआ। ऐसे देश में तो बहुत से लोग हैं आया राम गया राम। इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस की तरफ से नीतीश कुमार के खिलाफ जुबानी हमले शुरू हो गए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि बार बार रणनीतिक साझेदारी बदलने वाले नीतीश कुमार रंग बदलने में गिरगिटों को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने इस्तीफा दिया है, उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार जी एक बड़े अनुभवी राजनीतिक व्यक्ति हैं। कई साल वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, पर वो बार बार अपना राजनीतिक रंग बदलते रहते हैं। और राजनीतिक रंग बदलने में वो गिरगिटों का अच्छा मुकाबला देते हैं, वो कड़ी टक्कर देते हैं गिरगिटों का। मैं कहना चाहता हूं कि बिहार की जनता उनको और जो उनको नचा रहे हैं दिल्ली में बैठकर, उनको भी सही जवाब देगी। ये बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री भोकलाए हुए हैं, बहुत परेशानी में हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा से, और जो जिस उत्साह के साथ लोगों का स्वागत कर रहे हैं, राहुल जी का स्वागत कर रहे हैं, इससे ध्यान हटाने के लिए, क्योंकि कल से भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार में शुरू होगा, उससे ध्यान हटाने के लिए ये सब ड्रामा रचा गया। इस विश्वासघात के साथ विशेषज्ञ और उन्हें इशारों पर नचाने वालों को बिहार की जनता कभी माफ नहीं करेगी। नीतीश कुमार के इस्तीफा, बाबूलाल और केंद्र मंत्री गिरिराज सिंह ने क्या कुछ कहा, चलिए सुनते हैं। देखिए, मैं तो उसी दिन कह रहा था कि नीतीश जी ने जब लालू जी के साथ मिल गए थे तो उसी दिन लग रहा था कि भाई जिसके ऊपर करप्शन के इतना चार्जेज है, संयुक्त बिहार में इतने सारे कुछ लूटा, फिर लग रहा था कि इनके साथ कोई बहुत दिनों तक संबंध नहीं चल पाएगा, और आज वो चरितार्थ हुआ। क्योंकि नीतीश की जो एक पहचान देश में है और लालू की जो पहचान है, दोनों जिसको बोलते हैं अलग अलग ध्रुव में है, एक नॉर्थ पोल है एक साउथ पोल, ये दोनों का कभी मिलन होगा ठीक से ये कभी संभव नहीं हो सकता है, और आज वो बिल्कुल चरितार्थ हुआ। बीजेपी ने कहा था नीतीश हाल के लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं। अरे दरवाजा बंद होता है, खुलता है, उस समय बंद था फिर खुल गया, उसमें क्या है, दरवाजा जो बंद होता है वो खुलता भी है। सर जब हवा, नीतीश कुमार जी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उनकी जो भी मजबूरी रहे, लेकिन
बिहार पेशो पेश में था, क्या फिर से बिहार को डेढ़ साल में जंगल राज 2 की स्थिति आ गई थी? अगर लालू जी की सरकार तेजस्वी का ताजपोशी हो जाता तो बड़ी कठिनाई होती। मैं बिहार वासियों से इतना ही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी 2005 तक जंगल राज के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे और हम कुर्बानी देते रहे, और हमने उस समय भी अपने संगठन के बलबूते पर नीतीश कुमार को 2000 से ही मुख्यमंत्री, केवल इसलिए कि जंगल राज से मुक्ति मिले। मुझे अब एक ही चीज का है कि अब इन्होंने दे दिया है। मुझे डर लग रहा था, जिस तरह से प्रेशर पड़ रहा था लालू यादव का नीतीश कुमार जी के ऊपर तेजस्वी को ताजपोशी के लिए, तो फिर बिहार दोबारा जंगल राज में आ जाता, इससे मुक्ति मिली। अब भारतीय जनता पार्टी जंगल राज नहीं आने देगा, लालू जी की ताजपोशी नहीं होने देगी।